हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के इस एपिसोड में ना मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हम लोग पेल्ट कलेक्ट करते हैं, तो वो किस लिए वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये डायरवुल्फ कैसा है, हमने इसको टेम किया। एंड उसके बाद मैंने काफ़ी सर्च किया गूगल पर, मैंने देखा सब कुछ, देखा नहीं मतलब पढ़ा, मैंने देखा आँखों से अब तक कुछ भी नहीं है। तो मैंने ऐसा पढ़ा वगैरह कि ये पेल्ट के लिए बहुत अच्छा है डायरवुल्फ। तो उस वजह से जो है गाइस, हम लोग आज जा रहे उस बर्फीली जगह पे जहाँ पे मैं डायरवुल्फ्स मारने वाला हूँ, सैबरटूथ वगैरह मारूंगा इस डायरवुल्फ के थ्रू, जिससे हमें पेल्ट मिलेगा। एंड हाँ, मैमथ भी ज़रूर मारूंगा, क्योंकि मैमथ यार बहुत ज़्यादा पेल्ट देता है, ऐसा मैंने पढ़ा है, देखा अब तो कुछ नहीं है। एंड मैं इसलिए वहाँ पर जा रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं इसलिए वहाँ पर जा रहा हूँ, मैं पेल्ट कलेक्ट करना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे केव में जाना है। स्नो की जो केव है उसे मुझे एक्सप्लोर करना है। एंड इसी वजह से जो है मैं ये कपड़े बनाना चाहता हूँ, वो स्नो वाले, जिसकी मदद से मैं स्नो में टिका रहा हूँ, मतलब इस जगह पर, वरना यार वो फ्रीजिंग ना होता और बहुत गंदी हेल्थ जाती है, तो इस वजह से। तो चलिए अब देखते। अरे लौंडे छोड़ दे यार। ओ भाई, फंस गया क्या? एक सेकेंड मार के चल साले। ओ भाई मैं बच गया, बहुत सही। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सीन क्या हुआ। मैंने गलती से इसको मार दिया, कोई इंटेंशन नहीं था इसको मारने का, गलती से मैंने मार दिया। एंड ऐसा डायरवुल्फ आई नो बहुत स्पीड है, लेकिन आगे पानी पीछे पानी, तो मैं पानी में जाता तो भाई ये ऊपर से पिन मारता मेरे को चोच और पूरा घायल कर देता, इस वजह से मेरे को इससे फाइट लेनी पड़ी। एंड मैं उतर भी नहीं रहा था, बिकॉज मेरा डायरवुल्फ भटक ना जाए इसमें। तो अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे। एंड ओह भाई, यहाँ पे शार्क नहीं है ना, बहुत सही, क्योंकि एक बार पिछले बार मैं यहाँ पे आया था एंड यहाँ पे शार्क थी, तो भाई बहुत गंदा सीन हो जाता है, बहुत तगड़ा डैमेज देता है। मैं डायरवुल्फ को ऑलरेडी एक बार यहाँ पे लेके आया था, मतलब टेम किया था, तभी की बात है। तो अभी पहुँच, ये क्या है? ओह एक सेकेंड, अच्छा मेरे पीछे कोई नहीं, सॉरी, मेरे को लगा मेरे पीछे कोई है। गाइज ये देखो भाई, ये देखो तुम लोग, स्कैम देखो भाई, ये क्या होता है? मतलब भाई हवा में उड़ रहा है पत्थर, मेरे को लगता है ये वही पत्थर है मार्वल की मूवीज में, जो 5 इन्फिनिटी स्टोन है ना, ये छठवा है जो आर्क की दुनिया में। सॉरी फॉर पीजे, हम यहाँ पे तो आ गए। आ जाओ भाई, बताता हूँ तुम सबको, आ जाओ। ओ भाई इसकी बदनसीबी ये थी कि इसके बंदे इसको देख ही नहीं रहे भाई, इसको मतलब उनको परवाह ही नहीं थी। ओ भाई आ गया। ओ चिल्ला मत भाई, चिल्ला मत, मेरे सब्सक्राइबर्स ने मेरे को सब कुछ बता दिया भाई, तुम लोग बूझ बीस लेते हो भाई, टीम में मिलके मार रहे हो भाई। 8 GB आ गया, भागो, कूद लौंडे, कूद, अबे कूद ना। हाँ ओ भाई, गलत स्कैम, अब RG मर रहा है। चलो मैं थोड़ा वेट करता हूँ, बिकॉज ये भाई ये झुंड में और शेर अकेले जाता है, हम इधर से उड़ाएंगे भाई एक को, पट्ट से हेड शॉट, ये पट्ट से। अबे ये उतर क्यों जाता है यार? चल मार तो दिया उसको, अबे खा लिया उसको। अबे ये सैबरटूथ कैसे आ गया यहाँ पे? पहले सैबरटूथ था, मेरे को लगा दोनों डायरवुल्फ थे यार, पता नहीं मेरा ध्यान नहीं गया होगा, आई थिंक सो। भाई ये लोग बूस्ट टाइप। एंड थैंक यू गाइज, जिसने मेरे को, मेरा नाम भूल गया, लेकिन थैंक्स मेरे को बताने के लिए कि वो बूस्ट टाइप वगैरह का, मैं ट्राई करेंगे हम लोग। अभी तो फिलहाल मैमथ को उड़ाते, मतलब बूस्ट टाइप के लिए हम लोग और वुल्फ टेम करेंगे, ट्राई करेंगे, मतलब मेरे को अभी कोई सीन नहीं पता बूस्ट टाइप का, सच में वुल्फ का मतलब बूस्ट बीच का आग वाला टेम करेंगे। अरे मरना भाई, उड़ा के। ओ भाई गाइज यार, ये शॉट, ओ भाई 30-30, 40-40, ओ भाई हट, 30-30, 40-40 पेल्ट मिल गए गाइज मेरे को एक ही इसमें से। अबे यार ये पीछे लग गया है मेरे, भाई छोड़ दे मेरा पीछा, इसको ऐसे नहीं मार सकता ओपन में, तो बिल्कुल नहीं मार सकता मैं इसको, मुझे इसको ऐसे ही उड़ाना। रूड, हो भाई बच गया, क्या वे पंगा कैसे लेता है? अरे इससे पेल्ट नहीं मिला, आई थॉट कि इससे भी पेल्ट मिलेगा, बिकॉज उस पर बाल रहता है ना, तो मेरे को लगा ये आइस में घूमते हो तो इनमें से पेल्ट मिलता होगा, मतलब कुछ शॉर्ट नहीं मिलता है कि नहीं, अभी भी मुझे नहीं पता भाई। रिमोट करना है तो करना है, मुझे क्यों गिरा रहा है नीचे? सो गाइस यार वापस जाना पड़ेगा हम लोग को, बिकॉज हेल्थ देखो यार तुम लोग मेरी, मेरे को लगा नहीं था इतना जल्दी होगा, लेकिन यार फ्रीजिंग ना उन्हें दिमाग ख़राब करके रखा है, पूरी हेल्थ डाउन हो गई मेरी, तो अभी इस वजह से मेरे को वापस जाना पड़ रहा है घर पर, तो अभी कोई दूसरा तरीका भी नहीं हम लोग के पास। शूट, मैंग्लोडन, भागो, मेरे को लगा ही था भाई मारना नहीं, प्लीज़ मैंग्लोडन, पहले मेरी हेल्थ डाउन इसकी नहीं करना प्लीज़ भाई, ये बहुत ज़्यादा डैमेज देती है वुल्फ को। गया, मार मत, हाँ यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे भागो भाई भागो,
भाई हेल डाउन है, अब मेरे को सही से पता भी नहीं चलता, लाल लाल दिखता है, मेरे को लगता है इसकी हेल डाउन हो गई है। अबे चिल्ला मत भाई, बूस्ट ड्राइव लेते, बूस्ट ड्राइव लेगा बार बार। मारो मत भाई प्लीज, मारो मत, हेल्थ नहीं है यार ज़्यादा। भक भक साले। सो गाइस पानी में से तो नहीं जा सकता था, इस वजह से अब यहाँ से जा रहा हूँ। अबे चिल्ला क्यों रहा, ट्राई बूझ दे और बूझ दे उसको। हाँ नीचे ढकेल दिया उसको, धक्का नहीं देना भाई, कुछ भी हो जाए धक्का नहीं देना भाई प्लीज़, धक्का नहीं देना। हाँ ओके, तो अभी पहुँचते घर पे। गाइज मेरे लिए यार यहाँ पे आना ही बहुत बड़ी मुश्किल थी, पीछे देखा तुम लोग ने यार, उसने मेरे को धक्का दिया होता तो मैं सीधा पानी में गिर जाता, लेकिन चलो कोई नहीं, जैसा है वैसा सही। फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं हमारे घर पे। सो गाइज अब ये पेल्ट वगैरह से हम लोग अपना कपड़ा वपड़ा बना लेते। आई थिंक सो कि मैंने पहले, मेरे पास 150 पेल्ट तो थी, तो अभी मेरे को लगता है कि बन जाएगा सब कुछ, लेकिन फिर भी देखते हैं अभी क्या क्या बनेगा और क्या नहीं। आई थिंक सो सब बन ही जाएगा इस बार तो। नहीं अच्छा हाँ, मैं बोला कि ये हो क्यों नहीं रहा। अच्छा तो हम लोग सब कुछ अभी बना लेते हैं। ओके पहले हम लोग अपना ये बनाएंगे, बूट्स इंपॉर्टेंट नीड ना, पहले ग्लोव्स बना लेता हूँ, देन ये टोपड़ा टोपी एंड ये पैंट। हाँ देखो मेरे को लगा ही था कि ऐसा होने वाला है, उसलिए मैंने बूट्स को दूर रखा, बिकॉज बूट्स इंपॉर्टेंट नहीं थे मेरे लिए। तो चलो इन सबको कलेक्ट कर लेते एंड फिर से आप उन लोग अभी जाते भाई एंड देखते वापस से, अभी कलेक्ट तो करना पड़ेगा हमको। भाई साहब यार पहले जॉनी को लेके आता ना बहुत ज़्यादा हेल्प होती मेरी, लेकिन अभी कोई तरीका नहीं था अभी, मतलब मेरे को लगा हो जाएगा वुल्फ पे काम, बट हुआ नहीं, तो इस बार जॉनी को लेके आया। बिकॉज ये मेरे को ये रिवर जो है ना यार, ये मेगलोडॉन बिगलोडॉन बहुत बीच में आते हैं एंड ये तेज़ भी नहीं है भाई, बहुत स्लो है, स्लोली स्लोली काम करता है बहुत। तो अब मैंने जो है जॉनी को यहाँ पे सेफ रखा है, बिकॉज अगर कोई वुल्फ विल पे आता है तो ये पैसिव पे है, तो ये उनको तो नहीं मारेगा कुछ भी हो जाए, एंड इसका एग्रेशन टोटली पैसिव है, तो ना मैं मारूंगा तो भी कुछ नहीं करेगा, वरना ऐसा ना मैं मारूं और ये फिर पीछे पड़ जाए। बस मेरे को डर है कि इसके ऊपर एक आरजी उड़ रहा है, तो बस वो उसको ना मार दे, मेरे को इतना डर है। तो चलो अभी अपन फटाफट से पेल्ट कलेक्ट करते हैं। यार वो देखो उधर एक आरजी है, अगर ये नीचे आ गया ना तो इनकी फ़ाइट होगी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बस वो पैसिव पे शायद से, तो इस वजह से थोड़ा इशू हो सकता है। पैसिव पे कि नहीं मेरे को भी याद नहीं है, चलो जान भाग यार तू। ओह भाई कैसे उड़ गया ये, बहुत बुरा भाई। तो चलो गाइस वहाँ पे देखो क्या फाइट चल रही है यार, मतलब मैं दूर से ही मारूंगा, बिकॉज मैं एक वुल्फ को लेके नहीं जा सकता इतनी बड़ी झुंड में, क्योंकि डैमेज बहुत देगा। और वो जो दिख रहा है ना आपको, ये भाई ये हाथ से बहुत गंदा मार रहा है मेरे को बहुत ही। ओ शिट, चिल्ला मत। अबे मार भाई, क्या कर रहा है, हटो, मोटे भाग भाई, ये कहीं पे भी आओ चिल्लाना शुरू कर देते यार, हद है भाई। चलो अब, अबे यार मेरे को लगा ही था ये होने वाला है। अबे ये पैसिव पे नहीं था क्या, ये पैसिव पे होता तो एटलीस्ट ये पोजीशन तो नहीं छोड़ता। अब इसको मैं ऊपर जाके नहीं मार सकता, मुझे जो है शॉटगन से ही करना पड़ेगा एंड आई गेस मेरा शॉट लग जाए, लग तो रहा है बट ये कब तक मारेगा, बहुत लो शॉट लग रहे हैं। देखो 101 का डैमेज बस पड़ रहा है, बिट जा भाई। ओह मर गया, चलो सही है मर गया ये। अबे नीचे आ जा आरजी भाई, प्लीज़ नीचे आ जा एक सेकेंड। अच्छा आरजी तो नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, पहले आगे जाता हूँ। ओ भाई इसका दोस्त भी आ गया, अभी इसको भी उड़ाना पड़ेगा। आ जा ब्रो तेरी भी ख्वाहिश। एक ही शॉटगन में मर गया भाई, बहुत लो। चलो सारी सेटिंग्स फिर से कर दिया एंड अब इस मैमथ को मारेंगे एंड मैं अपना मटेरियल तो लेके आया हूँ। अबे ये उतर क्यों जाता है, अबे मार देगा भाई। हाँ मैं अपना मटेरियल लेके आया हूँ जिससे कि मैं ये बना सकता हूँ बूट्स, आरजी के अंदर पड़ा है सब, बिकॉज उसके अंदर स्मृति है तो वही काम। ये फंसा हुआ है, इसको हम लोग मारेंगे, रुको यहाँ पे। ये देखो इनकी झुंड है एंड अबे मैं क्या कर रहा हूँ यार, अबे ये आ गया भाई। जब तेरे बंदे तेरे को सपोर्ट नहीं कर, अबे कर रहे भाई आ रहे, चल अबे चिल्लाता क्यों है यार, चिल्लाता क्यों है, दूसरा कोई काम नहीं है क्या, अकेला बचा है फिर भी चिल्लाता है। मेरे को पता है क्या सीन है, मेरे को ये ऐसा चिल्लाता है ना तो मेरे को लगता है ये और वुल्फ्स बुला रहा है, बिकॉज मूवीज में मैंने यही देखा है कि वुल्फ जब चिल्लाते हैं तो उनका झुंड आ जाता है।
मेरे को वही बस दिमाग में रहता है और मैं हवा देखने लग जाता हूँ हमेशा, बिकॉज मैं अभी भी इस गेम से बहुत ज़्यादा परे नहीं हूँ। तो चलो इस मेहमत को उड़ा देते फटाक से, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता है बेचारा, फंसा हुआ जो है पेड़ों में। एंड इतना बड़ा मेहमत है भाई, तू पेड़ नहीं गिरा सकता, तू वुड के लिए तो मशहूर है। एक सेकेंड, अच्छा बहुत कुछ हो गया, पेल्ट भी अच्छा खासा हो चुका है मेरा। तो अबे फिर से यार ये आरजीबीजी ना बहुत, अबे यार मेरा ये भी फुल हो गया, इसको उतर के उड़ाते। ओए रुक रुक रुक, मार मत भाई, मार मत मुझे, चल। अरे हो, अच्छा इसका एग्रेशन नेचुरल है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मैं मारूंगा तो ये मारता है नेचुरल में भी, सही बात है, ये मेरे को पता नहीं था सच में। सो गाइस बहुत धीरे धीरे से इसके पूरा स्टोरेज फुल है, तो धीरे धीरे हम लोग आए। एंड ये देखो यार फिर से, मतलब कितने आर चीज है यार यहाँ पे, गिदड़ का बच्चा ये ले, मरना दो बुलेट्स में ही है फिर भी इतनी शाइनिंग यार, किस बात की। ओए नीचे आ जा ब्रो, नीचे आ जा, तुम अभी तुम्हारा काम हो चुका है, नीचे आ जा। ओ मैंने बोला इसको ऑर्डर किया तो ये कहाँ से फुकट की डिलीवरी आई बात। अरे तू नेचुरल पे तू नहीं खा रहा भाई, तेरे से ज़्यादा वफादार तो फिर मेरा डायर वुल्फ है यार, तो गलत बात है ना। अच्छा ऐसे ही रुकना, अभी मैं एक बार कमांड दे दूँ इसको, आई गेस ये बस स्टॉप रहे क्योंकि इसको सही से सुनाई नहीं देता है। इसको मैं स्टॉप का दूँ ना फिर भी ये पता नहीं ऐसी चीज़ें क्यों करता है। तो चलो अभी पेल्ट लेते, पेल्ट का बहुत ज़्यादा वजन होता है भाई, बाल बाल दिखते फिर भी इतना 60-70 किलो कैसे हो जाता है मेरे को भी नहीं पता। एंड हमारे बूट भी अभी बिल्ड हो रहे, इसका लेवल अप हो गया। चलो इसका क्या बढ़ा है, डैमेज ही बढ़ा दिया, सोचना भी नहीं पड़ा। ये तो हमारे बूट्स मैंने लगा लिए, अबे नहीं लगाए क्या, अच्छा उसके इसमें ट्रांसफ़र हो गए थे। तो अभी हमारा जो है गाइस पूरा का पूरा रेडी है इंसान। एक सेकेंड गाइस, ये देखो मैंने पूरे ये ठंड के कपड़े पहने फिर भी फ्रीजिंग नाउ क्यों आ रहा है ऊपर, ये कौन सा स्कैम है भाई। इसके लिए इतनी मेहनत की और फ्रीजिंग ना, हेल्थ भी जा रही है यार, मतलब ये क्या है अभी भाई। लोग यार मेरे को ज़रूर बताना कि अब ये कौन सा स्कैम है कि जिसमें पूरे ठंड के कपड़े फिर भी फ्रीजिंग ना आ रहा है। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं यार घर पे, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़े घर पे आने को, अंधेरा था और आपको पता है मैं अंधेरे में यार बहुत रास्ता भटक जाता हूँ, मेरा मैप पे ध्यान नहीं होता, ऑब्वियसली आगे पीछे देख के जाता हूँ ना मैं। तो चलो भाई अभी इसको भी लगा देता हूँ और फिर सुबह जो करना है फिर से देखते हैं क्या काम करना है। अभी तो बहुत नींद आ रही है तो भाई, अच्छा चलो इसके अंदर अटका था उसे। तो चलो भाई बहुत नींद आ रही है तो एक काम करते हैं अभी सोते हैं, फिर मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, सर फाइनली इसमें सुबह हो चुकी है एंड आई होप आज के जो एपिसोड है आप सभी को पसंद आया होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे क्योंकि भाई सो के उठने के बाद सीधा भाई भाई, तो यार अभी कुछ बचा भी नहीं, एपिसोड वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है। तो एक काम करते हैं अभी नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या करने का है, अभी मेरे को अभी कोई आइडिया नहीं है। कमेंट्स पढ़ता हो, कोई सजेशन होगा तो देखता हो, या फिर आप ही बता दो, कुछ टेम भीम करना हो तो मुझे बता दो कि भाई ये टेम कर लो, ये बना लो, कुछ क्रिएट कर लो, मैं कर लूँगा क्योंकि मैं वैसे भी बहुत वेला हूँ। तो आप बताओगे मैं चीज़ कर लूँगा, अगर आप अच्छी चीज़ बताओ तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, एंड अभी क्या भाई ये कपड़े बिपड़े तो है मेरे पास, अभी देखते इसका क्या सीन है, मेरे को लास्ट तक नहीं समझा, लेकिन अभी आई डोंट नो मतलब क्या सीन है इसका, कि मतलब कपड़े पहने फिर भी फ्रीजिंग आ रहा है, ये स्कैम मेरे को नहीं पता, लेकिन आई थिंक उसका भी कोई सॉल्यूशन होगा। तो ये भी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये इन चीज़ों का मैं क्या करूँ एंड मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो चलो गाइज आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, एपिसोड पसंद आया होगा तो देखो गाइज हो सके तो एक लाइक कर देना, एंड नए हो चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइज मैं मिलता हूँ आपको ऐसे और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, सो तब तक के लिए गुड बाय।